उनके साथ होती है। लेकिन टाटा पावर 500 शेयर हैं 250 रुपए के भाव पर, और शेयरों की संख्या है 500, और इस वक्त अगर हम भाव देखें तो 206 रुपए के आसपास है। अविनाश जी, टाटा पावर आप ही व्यू दीजिए, 300 रुपए के भाव थे, फिर 200 के नीचे आए, और फिर से हम देख रहे हैं कि 100 200 रुपए के नीचे भी गए थे, थोड़ी संभलने की कोशिश है, लेकिन भाव स्थिर है इस प्राइस के आसपास, 200 के आसपास। आपको उम्मीद है कि समय देंगे तो इनके भाव आ जाएंगे इसमें? अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए, टाटा पावर एक काफ़ी वेल नोन, वेल एस्टेब्लिश पावर जनरेटिंग प्लेयर है। चौथे तिमाही के नंबर्स देखे तो उम्मीद से काफ़ी अच्छे नंबर्स आ गए थे, तभी शेयर में थोड़ी सी तेजी हमने ज़रूर देखी थी। मेरे ख्याल से देखिए, अगले 1.5-2 साल में कंपनी का जो बिजनेस प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव होने वाला है। इन्होंने सोलर एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। तो मुझे लग रहा है कि नज़रिया अगर 1.5 साल का है तो मुझे लग रहा है कि इनको कंफर्टेबली उनके बाइंग प्राइस भी मिलेगी, प्लस अच्छा खासा मुनाफा भी होगा। और कहीं ना कहीं पावर जनरेशन थीम मार्केट में अभी भी बहुत स्ट्रांग है। आने वाले 1-2 साल में मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी ऐसी पावर जनरेटिंग कैपेसिटी आने नहीं वाली है, तो डेफिनेटली टैरिफ रेट्स भी बढ़ेंगे और प्लस दूसरे बिजनेस जो वो डाल रहे हैं इसमें भी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय है, अगर हो सके तो एवरेज करें, बट नजरिया 1-1.5 साल का रखें। थोड़ा नज़रिया लंबा रखना होगा, समय देना होगा इसको। बिजनेस में मजबूती है इसको लेकर कोई शक नहीं है। नतीजों का भी जिक्र कर रहे थे अविनाश जी, 206 के भाव पर है। आप चाहें तो एवरेज भी कर सकते हैं, थोड़े और शेयर आप खरीद सकते हैं टाटा पावर के ही, और पोर्टफोलियो जो टोटल जो अभी लॉस हो रहा है उसको थोड़ा सा कम करने की आप कोशिश कर सकते हैं, ये आपके लिए।